ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਮਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ये देखिए ये मच्छी फ्राई हो चुकी है, ये क्या बात है, ये देखिए जब ये फिश तवे में डाली ना तो इसकी फ्रेगनेंस देखिए अलग से ही आने लगी फ्रेगनेंस की। ये देखिए क्या ये है सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे HB सिंह फूड ब्लॉग चैनल को टाइम दिया। थैंक यू सर। और आपकी फिश खाई हमने, थैंक यू जी, तवा फिश भी खाई और जो छोटी वाली मच्छी थी वो भी खाई, बहुत ही ज़रा टेस्टी और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप भी कभी दलौदी जाओ और पठानकोट से दलौदी जाओ तो रास्ते में पड़ता है दुनेरा, दुनेरे में जो मेहरा फिश कॉर्नर है वहाँ पे आके आप फिश खाइए, फिश की काफ़ी 7-8 वैरायटी इनसे मिलेगी। तो सचिन जी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका, बहुत टेस्टी था, आप भी आइए और सचिन जी के पास मेहरा फिश कॉर्नर दुनेरा में आके फिश खाइए। सचिन जी और कौन सी आपके पास चिकन भी है, और कौन सी वैरायटी है आपके पास, बोनलेस फिश भी है? बोनलेस अपने को मिली है जी, जरा दिखाना बोनलेस। ये देखिए भाई ये बोनलेस फिश है सर, कोई इन्हें कह नहीं सकता कि सर दिए गए प्योर मली है जी, सर प्योर मली है। ये देखिए ये देखिए ये फिश देखिए ना सर, दीदा पल्ला तारे हुंदा, हां हां मली नहीं हुंदी है, वो काम नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है। जो जो फिश है वो ही बताएंगे, जो फिश की प्रजाति है वो ही बताएंगे आप, कुछ ऐसा दो नंबर का काम नहीं, जो है वो ही देंगे, है ना। और चिकन कौन सा है आपका, ये लेग है? चिकन लेग होंगे सर, ये दिखाना चिकन ब्रेस्ट होगा, अरे ₹400 का 250 ग्राम और ₹400 का 1 किलो ये देते हैं, ठीक है, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वेरी गुड। अब हमें क्या खिलाओगे आप? जी को पसंद आप ऐसा कीजिए, आधा किलो वो छोटी वाली मच्छी, ठीक है जी, और ये कितनी होगी, ये ऊपर लगी हुई है रोहू मच्छी में होएगा सर 3 कबाब, उतने होएगा 3 कबाब, और ये रोहू वाली है ये भी सारी पैक कर दो, ठीक है, ठीक है? अब खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है सचिन जी, अब आपका टेस्ट देखते हैं, ठीक है। अभी सचिन जी हमें ये पहले छोटी वाली फ्राई करेंगे, सचिन जी छोटी वाली, ये छोटी वाली फ्राई करके दिखाने लगे हमें, ये डाली, ये बर्तन में डाली है सर, मैरिनेट करके रखी हुई है पहले जी आप, अच्छा ये पहले की मैरिनेट की हुई है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज नहीं लगी, नमक मिर्च अजवाइन, अच्छा नमक मिर्च और अजवाइन, ठीक है, लहसुन अदरक की पेस्ट, लहसुन अदरक की पेस्ट, ठीक है, मोटी कोटिंग नहीं देनी, ठीक है, ये हल्की सी देखिए, ये बेसन डाला हुआ है, ज्यादा बेसन डालने से क्या होता है सर, मोटी लेयर आ जाती है फिश का टेस्ट नहीं आता सर, ठीक है, जी आप बारीक लेयर देंगे फिश का टेस्ट भी होगा, फ्रेशनेस भी होगी, ठीक है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात की आपने, हम भी घर ऐसे यूज करेंगे, टर्मरिक पाउडर, ये टर्मरिक पाउडर है, ठीक है, हल्दी, ठीक है, हाँ जी जी, और ये लेमन, हाँ जी लेमन, नींबू डाला है अब इसके बीच में, क्या बात है, नींबू डाल के मच्छी गई, ये फ्राई करोगे ना पहले, ठीक है, ये नींबू वो एक आधा और डाल दिया, ये क्या है सर, लहसुन का पानी है, ये देखिए ये लहसुन का पानी है, लहसुन हींग, लहसुन और हींग का पानी है ये, इससे काफी ज्यादा फ्लेवर होगा ना, हाँ जी, हल्की सर जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये हल्की सी जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है, ठीक है, हमने अच्छी तरह मिक्स करांगे सर, अच्छा इसको मिक्स कर लोगे अच्छी तरह, जो भी जो इसका मैरिनेट हो जो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए ना, बिल्कुल बिल्कुल सर, इन्हें हम रेस्ट देने की लोड़ नहीं क्योंकि आप अद्धा मसाला पहले लाग रखे होंगे, इनका कहना है कि इसको जो फ्रिज में रखते हैं एक्स्ट्रा लगा के मैरिनेट रखते हैं उनकी जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने पहले ही से ये मैरिनेट करके रखी हुई है ना, ये देखिए भाई ये देखिए फिश, क्या बात है,
ये तेल डाल दिया है, ये कौन सा तेल है सरसों का? हाँ सर रसोई का तेल वरती था, कुछ लोग कहते बीमार का, कोई कहता कुछ, पर नहीं ठीक है ये सरसों का ये वही करा सर। ठीक है ये तेल भी देखिए कितना अच्छा है, साफ सुथरा तेल है, कम हो भावे ना हो तेल डेली चेंज होता सर, डेली चेंज हो सकते हैं। तो ये गई फिश अंदर, क्या बात है क्या बात है। ये दूसरी फिश, ये तीसरी फिश, ये आधा किलो दी है आपने, कितना 700 ग्राम की है आपने, ठीक है क्या बात है। ये देखिए ये मच्छी फ्राई हो चुकी है, ये क्या बात है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए फिश क्या बात है। ये जो हमारी दूसरी फिश है वो ये कौन सी फिश है, रहू सर? रहू है तवा लगन जान दी सर। अच्छा रहू फिश है ये तवा, और एक तवा फिश है ना जो वो काफी एरिया में डैम के जो एरिया है ना जो सभी उसमें तवा फिश बहुत मशहूर होती है, और ये हमें तवा फिश खिलाने लगे हैं। इधर भी सर सेम ही प्रोसेस है, जो इसके अंदर मसाला और जो मटीरियल पड़ेगा वो सेम ही है ना। हाँ जी सर, बस वो फ्राई कर दिए ये तवा हो जाएगी है ना। हाँ जी सर, इन ऊपर ना हल्का बेसन नमक लगता है, मामूली सा बेसन इनको भी लगाना पड़ेगा, सूखा बेसन नमक लगाना, सूखा बेसन ठीक है, ज्यादा मेल्ट नहीं करना पड़ेगा ठीक है। सारा ये लहसुन अदरक की जो पेस्ट है वो पानी है वो भी डाला इन्होंने। ये देखिए इसके बीच में ये सूखा धनिया डाला है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा ना। सर तवा सा गर्म हो चुका, ये तवा गर्म कर दिया भाई ने, ये देखिए ये तेल डाला है ठीक है, ये तेल डाला है भाई, इसमें भी तवा में भी सरसों का तेल डलता है ना, रसोई का ये देखिए जब ये फिश तवे में डाली ना तो इसकी फ्रेगनेंस देखिए अलग से ही आने लगी फ्रेगनेंस की। ये देखिए तवा फिश, ये हमारी तवा भी एक साइड लग रही है, ये पकी अभी या नहीं? नहीं अभी हाफ हुई है अभी, ठीक है क्या बात है क्या बात है। मेरे तो मुंह में ना पानी लगा आने ये देख के ना, तवा फिश, तवा फिश मिलती है कहाँ से? नहीं कहाँ मिलती है तवा फिश? खटियाड़ में तो आपने देखा होगा तवा फिश, मगर बलोजी से तकरीबन 35 किलोमीटर दुनेरे में जहां भी तवा फिश मिल जाती है। खटियाड़ अब्दुल जी कभी भी आओ तो रास्ते में दुनेरे में ये तवा फिश आप खा सकते हो। ये देखिए ये सचिन जी फिश ले आए हैं, क्या बात है। अभी जो मेरा फ्रेंड है सनी जो मेरे साथ ही रहता है कभी कभी, और ये देखिए ये सनी बैठा हुआ है, अब ये खा के बताएंगे कि क्वालिटी कैसी है। ये सनी ने, सनी क्या बात है, ये फिश पकड़ी सनी ने, मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा क्या बात है, ये फिश का बहुत फैन है ये। फ्रेश फिश है, बिल्कुल फ्रेश है ये फिश, अच्छी है ये, बहुत ही फ्रेश सॉफ्ट है बिल्कुल अंदर से, ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट है, व्हाइट कलर की, मतलब बिल्कुल फ्रेश है ये। ये देखिए धुआं भी निकल रहा है और व्हाइट कलर क्या आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश। ये देखिए आप ये बताइए कि अच्छी लगी या नहीं लगी, ये बताइए बेस्ट है या नहीं। अगर फिश खानी है ना तो यहीं आगे खानी है,
सनी ने तो पास कर दिया, मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसी है। ये देखिए ये मेहरा फिश कॉर्नर की जो फिश है हमारे टेबल पे आ चुकी है, अब देखते हैं इसका टेस्ट करके। ये कैसा लग रहा है, अब मैं खा के बताता हूँ आपको। अरे क्या ये देखिए ये फ्रेश फिश है, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश, मेरे ख्याल से सुबह ही पकड़ी होगी ये। ये देखिए आप खा के बताते हैं। एकदम सॉफ्टनेस सा, जैसे क्रीमी टेस्ट होता है, जो सॉफ्ट पनीर जैसे होता है ना वैसा ही टेस्ट है, मुंह में जाते ही ना फिनिश, क्या बात है। जो इसके छोटे छोटे कंडे है ना वो भी फ्राई होने के साथ खत्म हो चुके हैं, ये देखिए क्या बात है। अभी ये फ्राई फिश आई है, अभी तवा फिश का ऑर्डर दिया हुआ है, मोटी वाली फिश है, मोटी नहीं मतलब 1 किलो का 2 किलो का भी था, वो भी आएगी, वो भी देखते हैं। क्या बात है, ये देखिए ये तवा फिश आ चुकी है। अरे सनी भाई ये तवा फिश का एक पीस उठा के दिखाना, पूरा पूरा गोल पीस जो है, ये नींबू और प्याज अलग करके, ये देखिए क्या ये है, ये देखिए तवा फिश ने लिए, सनी भाई ने तवा फिश लिए और टेस्ट करके बनाएंगे हमें। मैं तो बाद में खाऊंगा हमेशा, पहले हमारे फ्रेंड खाने चाहिए, क्यों ठीक नहीं। हाँ जी सनी भाई कैसी लगी? सबसे पहले बात एकदम पक चुकी है ठीक है, और जो फ्रेग्रेंस होती ना फ्रेश फिश की, वो है यही क्वालिटी हम चाहते हैं तवा फिश पे। कि ये देखिए जो तवा फिश है ना वो फ्रेश फिश ही बनती है। अब सनी भाई ने दिखाई है, अब मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। ये सब कुछ देख के ना मेरे मुंह में इतना पानी आने लगा है कि मैं रुक नहीं सकता। ये देखिए गर्म, बहुत है, बहुत ज्यादा गर्म है। ये देखिए ये तवा फिश है, सचिन जी की तवा फिश है, ये देखिए अब मैं खा के बताऊंगा। ये रहू है, रहू तवा फिश है, और ये तवा फिश का रेट है 125-30 के करीब है, एक फा मिलती है तवा फिश 125-30 के करीब, ये तवा फिश मिलती है। आप पाइया खाओ, आधा किलो खाओ, उसके हिसाब से पैसे लगाएंगे ये, पर पाइया के पैसे 125-20 के करीब है ये। अब मैं खा के बताऊंगा। ये देखिए सनी भाई, ये यहाँ से मैंने पीस तोड़ा, ये देखिए फ्रेशनेस देखिए आप, ये देखिए मछली की, ये देखिए ये कांटे हैं छोटे छोटे, ये निकाल दिए हमने, और ये देखिए कहने का कोई शब्द ही नहीं, जो कहते एंड स्मूथ एकदम सॉफ्ट, और टेस्ट बढ़िया टेस्ट, क्या बात है। आप भी आइए दुनिया में और खाइए तवा फिश, यहाँ तवा फिश देसी मिलती है, वो नहीं मिलती फार्म की, नहीं मिलती। ओके, और जब भी बड़ी फिश आएगी 50 किलो की या 40 किलो की 30 किलो की भी आएगी तो हमें फोन पक्का करना, हम जो हमारे अच्छे अच्छे जो सब्सक्राइबर हैं उनको हम सब कुछ दिखाना चाहते हैं बढ़िया जो हो, ठीक है। ओके सचिन जी, कोई भी हमारा ब्लॉग देख के, HB सिंह फूड ब्लॉग देख के कोई भी आएगा तो उनको डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा। ये सचिन जी ने कमेंटमेंट कर दिया है, बिल्कुल कोई भी ब्लॉग देख के HB सिंह का ब्लॉग जो भी देख के आएगा सब कुछ नू डिस्काउंट मिलेगा, और फ्रेश चीज, फ्रेश मिलेगा, फ्रेश और बढ़िया चीज मिलेगी, सब तुसी खादी आपे जी, क्या बात है। मैं तो मेरा घर इससे 50 किलोमीटर दूर है, अगर मैं आता मैं शाम को डेली आगे जाऊंगा मछली खाता, फिर भी सचिन जी बहुत अच्छा आप काम करते हो, फ्रेश ही करते हो। लोग देखते हैं कि ब्लॉग बनाते हो अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन ये देखिए ये भाई बहुत फ्रेश, ये पास ही 1 किलोमीटर यहाँ रंजीत सागर डैम है, बिल्कुल फ्रेश मछली मिलती है यहाँ पे। सचिन जी बहुत बढ़िया काम करते हो, थैंक यू। देखिए मेहरा फिश कॉर्नर पे हम आए हुए थे, तो हमने तो खाई मगर कस्टमर भी बैठे हुए हैं, कस्टमर भी खा रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं।
सर नमस्कार, और सर कैसे हो? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव। संजीव, संजीव जी आप मेहरा फिश कॉर्नर पर फिश खाने आए हो, कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। टेस्टी है जी, फर्स्ट टाइम खाई। कहाँ से आए हो आप? हम आए हैं खजियार से। खजियार से आए हैं, और आप काफी पहले भी आते हो यहाँ पे? नहीं, पहले भी आए हैं, आए हुए। काफी नाम सुना था, आज खा के भी देख लिया, बहुत टेस्टी है। ये जो है भाई जी, ये कस्टमर है, इन्होंने इनको भी मेहरा फिश कॉर्नर की फिश बहुत अच्छी लगी, और ये हमारे मैम है। मैम जी नमस्कार, आपको कैसे लगा? मैम बहुत बढ़िया बढ़िया है, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।